गाइस, यदि हमको हमारे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स में बेस्ट म्यूजिक का एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पर गाइस हम लोग यूज करते हैं ईयरफोन्स, नेक बैंड, ईयरबड्स या फिर किसी हेडफोन्स का। लेकिन गाइस, जब कभी हम लोग मार्केट में एक नया ईयरफोन या ईयरबड्स वगैरह परचेस करने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो हमारे माइंड में क्लिक करती हैं, जैसे गाइस ड्राइवर साइज, सिंगल ड्राइवर वर्सेस डुअल ड्राइवर और गाइस टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। इनमें से गाइस ड्राइवर साइज के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं और गाइस यहां पर आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बनाने वाला हूं टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करते हैं सिंगल ड्राइवर वर्सेस डुअल ड्राइवर के बारे में, जिससे गाइस आप लोग अपने लिए एक बेस्ट ईयरफोन या फिर ईयरबड्स या फिर नेकबैंड हेडफोन्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विकली पहले जान लेते हैं कि आखिर ड्राइवर होता क्या है। गाइस, हमारे ईयरफोन या फिर ईयरबड्स के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, उसको गाइस ड्राइवर कहा जाता है। नाउ गाइस, एज नेम सजेस्ट, सिंगल ड्राइवर मतलब कि उस प्रकार के ईयरफोन्स के अंदर एक सिंगल ड्राइवर लगा हुआ होगा। और गाइस, जो डुअल ड्राइवर है उसका भी नाम हमको सजेस्ट कर रहा है कि उस टाइप के ईयरफोन्स के अंदर दो ड्राइवर लगे हुए होते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर सिंगल ड्राइवर्स और डुअल ड्राइवर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल ड्राइवर ईयरफोन्स के बारे में। सो गाइस, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इस प्रकार की ईयरफोन्स के अंदर एक सिंगल ड्राइवर लगा होता है जो कि सभी फ्रिक्वेंसीज की साउंड वेव्स से उनको आउट करता है। यहाँ पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग ड्राइवर नहीं लगे होते हैं, एक ही ड्राइवर सभी फ्रिक्वेंसीज को आउट करता है। अब गाइस यहां पर क्योंकि इसके अंदर सिंगल एक ही ड्राइवर लगा हुआ तो गाइस ये सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है और यहां पर गाइस आपको बैलेंस साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब गाइस दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स के बारे में। गाइस, इसमें भी नाम बता रहा है कि इसके अंदर दो ड्राइवर लगे होते हैं और दो ड्राइवर गाइस अलग अलग प्रकार की जो साउंड वेव्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग प्रकार की मतलब कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए यहाँ पर अलग अलग दो ड्राइवर्स लगे होते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो एक ड्राइवर लगा होता है वो होता है गाइस बेस साउंड के लिए और जो दूसरा ड्राइवर होता है वो गाइस यहाँ पर मिड रेंज और ट्रेबल साउंड को प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, इस प्रकार के ईयरफोन्स के अंदर आप लोगों को बेटर क्लियरिटी, सेपरेशन और गाइस बेटर साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं आखिर विच टाइप ऑफ ईयरफोन्स इज बेस्ट फॉर अस। सो गाइस, यहाँ पर अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे जो डुअल ड्राइवर वाले ईयरफोन होता है वो हमारे लिए सही रहेगा क्योंकि उसके अंदर आपको डिटेल्ड साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बट गाइस, क्योंकि इसमें दो ड्राइवर लगे होते हैं तो ये गाइस कॉस्टली भी होता है। तो यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर आपकी जो नीड है, आपको किस प्रकार का ईयरफोन्स चाहिए है, आप गाइस उस तरफ जा सकते हैं। जैसे गाइस आप लोगों को बैलेंस, एफिशिएंट और अफोर्डेबल ईयरफोन्स चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं गाइस सिंगल ड्राइवर वाले ईयरफोन्स की तरफ। और यदि आप म्यूजिक लवर्स हैं, आपको गाइस यहाँ पर डिटेल म्यूजिक चाहिए है, आप लोग गाइस साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो आप लोग गाइस जा सकते हैं डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स की तरफ। लेकिन यहां पर डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स का मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार के ईयरफोन्स ऑलवेज गाइस सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर और भी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ड्राइवर साइज और गाइस यहां पर हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया और आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ड्राइवर के टाइप्स के बारे में। तो ये चीजें भी गाइस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सो गाइस, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप गाइस अपने लिए एक बेस्ट ईयरफोन, नेक बैंड, ईयरबड्स या फिर गाइस हेडफोन्स को परचेस कर पाएंगे। सो गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।